नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जयंती शक्तिपीठ यात्रा से संबंधित पूरी बातें कि आप कब जाएं और कैसे जाएं, कहां रुके और कहां घूमें तथा कुल खर्चों के बारे में। ये सभी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जयंती शक्तिपीठ की, जिसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं कि माता का यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के सिलहट जिले के जयंतिया परगना में भोरभोग गांव के खासी पर्वत क्षेत्र में स्थित है। वहीं कुछ लेखों में इस शक्तिपीठ का उल्लेख भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में होने का मिलता है और यहाँ की जयंतिया पहाड़ी पर ही जयंती शक्तिपीठ होने का प्रमाण दिया जाता है। क्योंकि जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर का विच्छेदन किया था, तब जयंती पर्वत क्षेत्र में माता के वाम जंग का निपात हुआ था, जो आगे चलकर यह क्षेत्र एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाने लगा। और इस पीठ की शक्ति जयंती और भैरव को क्रमदीश्वर के नाम से पूजा जाता है। और माता के भक्तों का मानना है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता की शरण में आता है तो माता उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और इस मंदिर का इतिहास भी युगों पहले राजा दक्ष के यज्ञ से जुड़ा हुआ है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो माता सती यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गयी और अपने प्राण त्याग दी, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने माता सती की मृत देह को लेकर भयानक तांडव करना शुरू कर दिया। तब ऐसे में उन्हें शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की मृत देह को कई भागों में विभक्त कर दिया और जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गया। और जहाँ भी शक्तिपीठ स्थापित है वहाँ माता शक्ति के साथ काल भैरव भी विराजमान है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप यहाँ कब जाएं। तो दोस्तों यहाँ दर्शन करने का सबसे उचित समय नवरात्रि के शुभ अवसरों पर होता है, लेकिन यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर से अप्रैल तक के बीच का होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँचें। वैसे तो यहाँ आप बाय ट्रेन, बाय प्लेन और बाय बस से बड़े ही आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन गोलपारा टाउन है, जहाँ से आप बस या टैक्सी से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और यदि आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट मेघालय में स्थित है, जहाँ से आप मंदिर के लिए टैक्सी ले सकते हैं। और हाँ, यदि आप बस से जा रहे हैं तो देश के कई बड़े शहरों से बसें चलाई जाती हैं, जिनके जरिए आप बड़े ही आसानी से जयंती देवी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप यहाँ कहाँ रुकें। तो दोस्तों यहाँ आपको रुकने के लिए होटल मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ एसी व नॉन एसी दोनों प्रकार के होटल्स उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने बजट के अनुसार बुक कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप किसी भी जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छी अच्छी साइट का लिंक दिया हूँ, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन और प्लेन तथा टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप यहाँ कहाँ घूमने जाएं। तो दोस्तों यहाँ आप डॉकी घूमने के लिए जा सकते हैं और यह मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में स्थित मेघालय का पर्यटन स्थल है, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित डॉकी के बीच व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। इसके साथ ही डॉकी मेघालय के परिदृश्य के अद्भुत दृश्य प्रदान करता है, जो शहर अपनी खासी और जयंतिया हिल्स को निहारने के लिए एक अच्छा स्थान है। और यह शहर विशेष रूप से वसंत महीनों के दौरान टूरिस्टों की गतिविधियों का एक आकर्षण बन जाता है, क्योंकि यह उमंग गोट नदी पर नाव की सवारी प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसमें लोग लेने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ जुवाई की सैर कर सकते हैं, जो मेघालय राज्य के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में स्थित मेघालय का पर्यटन स्थल है। और जुवाई पूरे जिले के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय और शिक्षा के केंद्र है। और चेरापूंजी की तरह ही जुवाई एक गंतव्य के लिए एक सुंदर ड्राइव और झीलों के घमंड, विशाल खुली घाटियों एवं झरनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यदि आप मेघालय की यात्रा पर जाएं तो यहाँ जरूर घूमें।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कुल खर्चों की। वैसे तो ये सभी खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप कहाँ कहाँ घूमेंगे और क्या क्या खरीदेंगे, तो ये सभी खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को इसी पर एंड करते हैं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।